200 सीएनजी बसें खरीदने की तैयारी है। ऐसे ही 200 डीजल बसें खरीदी जाएंगी और 60 ऑर्डिनरी बसें भी खरीदने की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड के परिवहन विभाग में बसों का कायाकल्प होने जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य में बड़ी संख्या में नई बसें खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड में 660 नई बसें खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 200 इलेक्ट्रिक बसें होंगी तो 200 सीएनजी बसेस होंगी। 200 डीजल बसों के अलावा 60 ऑर्डिनरी बसेस को भी सरकार खरीदने जा रही है। आने वाले दिनों में इंटरस्टेट और राज्य के अंदर बड़ी मात्रा में नई बसों की बड़ी खेप देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक और सीएनजी की बसेस जो होंगी वो मैदानी क्षेत्र में चलाई जाएंगी, जबकि डीजल वाली बसेस पहाड़ी क्षेत्र में चलाने की सरकार योजना बनाई जा रही है। तो 660 नई बसेस खरीदेगी लगभग 610 गाड़ियों का बेड़ा हम बढ़ाने जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में हमारी साधारण बसें चलेंगी और मैदानी क्षेत्र में और बड़े रूटों में सीएनजी और इलेक्ट्रिकल बसें चलेंगी। अभी हमने 5 इलेक्ट्रिकल बसों का शुरुआत की है और अभी टेंडर प्रक्रिया हमारी शुरू हो रही है। सुरेंद्र जसीला हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र, बड़ी संख्या में प्रदेश सरकार की तरफ से बसेस खरीदी जाएंगी, थोड़ी जानकारी दीजिएगा जरा इससे जुड़ी कि किस क्षेत्र में किस तरह से इन बसेस का संचालन होगा। देखिए, उत्तराखंड परिवहन निगम में अगर बात करें तो पहाड़ पे बसें चलती हैं और पहाड़ पे बसों पे चलने की वजह से निगम घाटे में बहुत आता है, क्योंकि पहाड़ पर एक तो मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा है, तेल की खपत बहुत ज्यादा है और जो बजट है उस बजट में जो यात्रियों से पैसा आता है उससे बहुत ज्यादा आप संचालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि सीएनजी की बसें चलाना ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा और दूसरा इलेक्ट्रिक बसें चलाना खर्च को कम करेगा। तो इसलिए जो 600 से ज्यादा नई बसों का ऐलान हुआ, इसमें करीब 450 से ज्यादा बसें सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों से संबंधित होंगी। इसलिए होंगी क्योंकि इसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि सीएनजी की बसें, क्योंकि आप पहाड़ पर बहुत ज्यादा पिकअप नहीं होता है, बहुत ज्यादा संचालित नहीं कर पाएंगे, तो वहां के लिए आपको डीजल बसों की ही आवश्यकता फिलहाल होगी। इलेक्ट्रिक बसें वहां के लिए एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन अभी चार्जिंग पॉइंट हर जगह डेवलप नहीं है, हर स्टेशन पे इस तरह की सुविधा नहीं है, तो इसलिए फिलहाल अभी डीजल बसों पर भी निर्भरता बनी रहेगी। लेकिन ये जो नई बसें बेड़े में शामिल होंगी, इससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू को धार मिलेगी, रेवेन्यू तेज होगा, अधिकारी मान के चल रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता पूजा ये जरूर है कि उत्तराखंड में हमने पहले भी देखा है बसें तो खरीदी जाती हैं, लेकिन संचालन में इस तरीके की नियमावली है, इस तरीके से चीजें होती हैं कि वो खर्च से ज्यादा नुकसान ज्यादा होने लगता है। कई ऐसी जगह है जहां से टूरिस्ट बड़ी संख्या में उत्तराखंड आता है, लेकिन वापसी में जाते वक्त आपके पास सवारियां नहीं होती है। कई लंबे रूट में बात करूं, अगर जयपुर की बात करूं या अन्य राज्यों की बात करूं, तो वहां के लिए आपको लगातार बसें लागू करनी होंगी, तभी आपको पर्यटक वहां से मिलेंगे। तो इसलिए एक बड़ी वो प्लानिंग करने की जरूरत जरूर है। हाँ, ये जरूर है कि नई बसों के आने से रेवेन्यू को फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दीपावली के इस मौके पर इस बार दमकल विभाग की तैयारी काफी चुस्त दुरुस्त रही है। इस साल आगजनी की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। फायर विभाग के लिए अपने आप में यह एक बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश भर के 13 जिलों में 96 जगहों पर आग लगने के मामले सामने आए। दमकल की टीम के मुस्तैदी के चलते कहीं भी आग ने विकराल रूप धारण नहीं किया और शांतिपूर्ण ढंग से दिवाली मनाई गई। उधम सिंह नगर में जीएम और एसएसपी कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर पटाखे के विवाद में युवक को गोली मार दी गई। गोली मारने की सूचना पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में युवक को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक बिलासपुर का रहने वाला था। पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुट गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। वाद विवाद बढ़ गया तो दोनों पक्ष जो है आमने सामने हो गए, तो फिर जो है उस आमने सामने होने के बाद मारपीटी हुई। तो फिर एक पक्ष की तरफ से तो है दलजीत सिंह और 2-3 लोग थे, वो भागने वाले थे, भाग गए थे उस साइड में। भागते टाइम में जो है गुरमीर सिंह ने गोली चलाई, तो वो गोली जो है कमर के नीचे लगी, पीठ से होते हुए पीछे से। और पौड़ी के एजीसी मोहल्ले में महिला का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने महिला का फांसी पर लटका शव उसके मायके से बरामद किया।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक महिला मानसिक रूप से बीमार चल रही थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आज सुबह हमको एक सूचना प्राप्त हुआ हॉस्पिटल से, उस सूचना आई थी कि एक महिला है, ये ITC में रहते हैं वो लोग अपने मायके में, और उसने सुसाइड कर लिया है। तो सूचना पे हम लोग मौके पे गए थे वहाँ हॉस्पिटल में, और वहाँ उसका पंचायत में कार्रवाई की गई। तो जो अब तक की उसमें मतलब जो बात सामने आई है, उस महिला का थोड़ा बता रहे हैं मानसिक संतुलन कुछ खराब रहता था पहले, और वो लगातार अपने मायके में रह रही थी। बाकी जो भी उसमें उसमें जांच करा उससे कार्रवाई की गई। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में विवाहिता की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। जसपुर में धर्मपुर चौकी क्षेत्र का मामला है। यहाँ अंगदपुर गांव में एक विवाहिता है जिसकी शादी को 1.5 वर्ष हुआ है, और इसने आज इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ससुराल में मृत्यु हो गई है। अभी सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। मौके पर मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी, और जो भी इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर में एक शराबी का हंगामा मचाते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल जसपुर कोतवाली क्षेत्र में शराब के नशे में एक युवक टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवक काफी देर तक हंगामा करता रहा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर किसी तरह नीचे उतारा, तो वहीं युवक के हंगामेबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गया। हरिद्वार में पटाखे की चिंगारी से एक आश्रम में आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, जबकि इलाके में लोगों ने फायर ब्रिगेड के समय पर नहीं पहुंचने का आरोप लगाया। दिवाली के बाद एक बार फिर से पोल्यूशन लेवल ने परेशान करना शुरू कर दिया है। दिल्ली, NCR समेत यूपी के कई शहर जहरीली हवा के आगोश में आ गए हैं। दम घोटू स्मॉग ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।